उस दिन जब मैं पानी में गिरा तो 8-10 फीट तो पहले जमीन पे गिरा, फिर 8-10 फीट पानी के अंदर गया, फिर पानी ने मेरे को 2 बार ऊपर फेंका, लेकिन बचने के कोई आसान नहीं थे, तैरना आता नहीं था। ऊपर आया, दीवार को पकड़ने की कोशिश करी, दीवार हाथ में नहीं आई मेरे, इस जगह लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आज आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बताना नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन एक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अवेयर रहना है इन चीज़ों से, ठीक है। यहाँ देखो सारा जी, चोट यहाँ लगी, सीधा जब गिरा था ना, जो वीडियो में आपने देखा था, उस वीडियो के अंदर सीधा ये हिस्सा आ रहा था जमीन पर, टिप्पा ये खाया था, फिर उसके बाद यहाँ पे भी लगी है कुछ, टिप्पा खाया था जब थोड़ा सा, ये भी हिस्सा आ रहा था, फिर सीधा खोदी में आ गया, दो तीन राउंड, फिर इस प्रकार से जीवन और मौत के संघर्ष चला था, बहुत खतरनाक वाला। तो भाई इसलिए कहता हूँ बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप। सलाम साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो भाई लोग सभी। तो मैं आज आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बताना नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन एक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अवेयर रहना है इन चीज़ों से, ठीक है। तो हुआ ये था कि मैं जॉब करता था, ठीक है, तो जो शेड वगैरह होते हैं छतों पर लगे होते हैं फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पे कोने पे क्या था कि थोड़ा सा चादर का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा नीचे से सपोर्टेबल नहीं था, मतलब वो बिल्कुल फ्री था। अब जैसे ही मैंने क्या किया, वहाँ पे कुछ काम था मेरे को, कोई वायर हटाना था कुछ, तो मैं वायर लेने के लिए वहाँ पे कुछ काम कर रहा था, तो जैसे ही मेरा पाँव वहाँ गया तो सपोर्ट तो था नहीं वहाँ पे, तो पैर की वजह से वो लचक गया चादर लचकते ही मैं सीधा नीचे आ गया, 8-10 फीट नीचे गिरा था, और नीचे ही 19 फीट का खोदी था जो कि वाटर से भरा हुआ था, पूरा पानी से भरा हुआ था। तो मैं उस पानी में चला गया, तो मेरे पहले तो खोदी पे गिरा, तो खोदी की जो दीवार थी उल्टा हो गया था बिल्कुल, जो कि आपको सीसीटीवी वीडियो में दिख रही होगी आपको, ये जो सीसीटीवी ये रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पे, तो ये मैंने उनसे लिया और मैंने आपको बताना चाहा कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। लेकिन दुआ आपकी, आप लोगों की, सबकी दुआ थी मेरे साथ, इसलिए कुछ भी ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई, हल्की फुल्की चोट आई थी, हाथ पे आई थी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई है, आप अच्छे से देखिएगा, और एक्सरे भी कराया था, एक्सरे भी मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में, तो आप वो भी देखिएगा और सावधानी रखिएगा, ठीक है। तो उसमें हुआ ये था कि मेरा पहले तो हाथ के बल गिरा, तो हाथ पे लगी मेरे, बहुत ज़्यादा चोट लगी हाथ पे यहाँ पे, फिर दूसरे हाथ पे लगी यहाँ पे, फिर तीसरी जांघ पे लगी यहाँ पे, तो ऐसे करके 3-4 जगह चोट आई थी मिक्स में, थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला होता है बचाने वाला, है ना, तो एक वो पुरानी कहावत भी है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो मतलब कितना ही अनहोनी हो जाए, कितना ही खतरनाक घटनाएं हो जाए, अगर हम बच जाते हैं तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें बचाया है, और उन लोगों का जिनकी दुआएं हमारे अपने साथ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी जो भी है किसी प्रकार से अगर वॉक कर रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, है ना, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं फ्रैक्चर से ठीक हुआ ही था, अगर मान लो कुछ अनहोनी हो जाती, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और कुछ हो जाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि थोड़ा अवेयरनेस के लिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है।
बाकी एक लापरवाही समझ लो अपनी कि अपने ध्यान नहीं दिया, या एक अनहोनी समझ लो कि पता नहीं था ऐसा हो गया, कुछ भी मान सकते हैं अपन। बाकी जो हुआ मैं उससे अब सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक भी हो गया हूँ, आराम से हाथ वाथ काम भी कर रहा है, एक दो दिन तो जाम हो गया था हाथ भी। और क्या बोलते हैं कि जब मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी इसमें कि मैं कभी पानी के अंदर गया नहीं था, मेरे को बहुत बहुत ही खतरनाक डर लगता था पानी के अंदर जाने से। लेकिन उस दिन जब मैं पानी में गिरा तो 8-10 फीट तो पहले ज़मीन पे गिरा, फिर 8-10 फीट पानी के अंदर गया, फिर पानी ने मेरे को 2 बार ऊपर फेंका, लेकिन बचने के कोई आसान नहीं थे, तैरना आता नहीं था। ऊपर आया, दीवार को पकड़ने की कोशिश करी, दीवार हाथ में नहीं आई मेरे, थोड़ा डिस्टेंस था दीवार का, 1-2 मीटर का डिस्टेंस था। फिर हुआ ये कि फिर मैं दोबारा से, फिर हाँ एक चीज़ थी मेरी कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी कि मैं बाल्टी में क्या करता था, पानी को नाक को ऐसा खींच के और पानी को पूरा सिर को पानी की बाल्टी में डुबोता था। इससे क्या होता था कि मेरी सांस रोकने की जो प्रैक्टिस थी और पानी के अंदर थोड़ा घबराने की जो प्रैक्टिस थी वो मेरी ठीक थी, मतलब है ना, मैं घबराया नहीं पानी के अंदर। और पानी में 2 बार गया फिर भी मैंने सांस रोक के रखी, फिर दोबारा बाहर निकला तो मैंने थोड़ा सा बचाव की आवाज़ लगाई थी आसपास में, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पे, सब होली की छुट्टी पे गए हुए थे, मैं अकेला ही था वहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा एक वो समझ लो कि भाई मेरे को खुद ही संघर्ष करना था इस मुसीबत से, तो एक प्रकार से वो समझ लीजिए आप, और ऊपर वाले को बचाना था कैसे भी करके। तो हुआ ये कि मैं तीसरी बार जब गया तो मेरे को तैरना आता नहीं था, मैं सीधा अंदर जाता रहा, पानी भी वापस नहीं फेंक रहा था मुझे, मैं सोचा कि वापस फेंकेगा पानी, 3-4 दफ़े फेंकेगा, लेकिन 2 बार ही पानी ने मेरे को ऊपर फेंका। फिर तीसरी बार थोड़ा सा मुंह में पानी भर गया था, मैंने थोड़ा आवाज़ लगाने के लिए मुंह खोला तो पानी भर गया था मुंह में, फिर वापस नीचे जाने लगा धीरे 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 धीरे, तो मैं 8-10 मीटर से और नीचे चला गया था। तो मैं सोचा कि अब क्या करें, तो मेरे को कोई बात याद आई, ऊपर वाले को याद किया, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा अपने अंदर, घबराया नहीं और थोड़ा सा हिम्मत रखा अपने अंदर। और फिर मैंने एक बात मेरे दिमाग में टच हुई कि क्या किया जाए, तो मैंने हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करे बहुत ज़ोर से, मेरे को तैरना नहीं आता था, मैंने सोच लिया था कि मौत मेरे सामने है बिल्कुल, अब मैं नहीं बच सकता किसी भी हालत में। लेकिन फिर मैंने कुछ बातें दिमाग में आई अचानक से, और फिर मैंने हाथ हिलाना स्टार्ट करे, लेकिन मैं ऊपर नहीं आया, फिर भी नीचे जा रहा था। फिर मेरे को एक और बात याद आई कि पैर भी हिलाने चाहिए अपने को, और इतना फास्ट हिलाया मैंने हाथ पैर को, साइकिल चलाते वैसे साइकिल की जैसे ऐसा चलाया, इतना फास्ट चलाया कि पानी ने मेरे को वापस ऊपर फेंक दिया, और फिर दीवार भी हाथ आ गई। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया था कि मेरे को लगा कि मेरे को तैरना आ गया है, उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था, लेकिन वो तैरना नहीं था, वो एक प्रकार से मुसीबत के टाइम में वो संघर्ष किया था मैंने, तो अभी भी डर लगता है पानी से। तो बाकी आपको मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, और ऐसा ऐसा मैं बच निकला उस परिस्थिति, उस जो कठिन मुसीबत से, और आपकी दुआओं की वजह से आज मैं उस दिन से बच निकला। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो कि आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और आप काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है आपकी तरफ से वीडियो वगैरह देखने के बाद। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, बने रहिए यूट्यूब पे, हम मिलते रहेंगे। और हाँ, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, ये वाली बात मैंने याद रखी उस टाइम भी, और आपको भी याद रखनी चाहिए लाइफ में, ये बात कभी मत भूलना, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, ठीक है, हमेशा मजबूत रहना है और पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी हो जाए है ना, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है मन में, और कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है, कितनी भी मुसीबत आ जाए, ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, और सेफ्टी के साथ सारा वॉक वगैरह करना है आपको ताकि रिकवरी आपकी अच्छे से हो जाए। बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, सीसीटीवी वीडियो भी मैंने इसमें इंक्लूड की है, एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें बताया है पूरा। और 1 मिनट में पानी में, 1 मिनट से कम मतलब 45 सेकंड के आसपास मैं पानी में रहा था, सर्वाइव करा था मैंने पानी के अंदर रह के, बार बार निकला, बार बार अंदर गया, तो वो 1 मिनट वो तो प्रैक्टिस के कारण ऐसा हुआ, लेकिन शायद मैं हो सकता था अगर वो प्रैक्टिस नहीं होती मेरी तो मैं बच नहीं सकता था उस टाइम। तो मैं काफ़ी लेट हो गया वैसे वीडियो बनाने में, थोड़ा आज थोड़ा समय मिला है, तो फिर मैंने आज वीडियो बना के आपके सामने ये दिखाई है। तो देखिए वीडियो और सेफ्टी रखिए, ज़िंदगी जीनी है यार, और अच्छे अच्छे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।